बेंगल अजमलपुर मार्ग पर सड़क किनारे खड़ी ट्राली में टकराया ई रिक्शा, दो लोग गंभीर रूप से घायल। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि कोतवाली भिंगा क्षेत्र के लक्ष्मणपुर भिंगा मार्ग पर बनकटवा मोड़ के पास बीती रात सड़क किनारे खड़ी ट्राली में ई रिक्शा टकरा गया, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल भिंगा भिजवाया गया, जहाँ पर दोनों का इलाज चल रहा है। बता दें कि श्रावस्ती जनपद के कोतवाली भिंगा क्षेत्र के पिपरावा गाँव निवासी रामपाल पुत्र अलखराम ई रिक्शा लेकर लक्ष्मणपुर बाजार से बहरीवा किसी कार्य के लिए जा रहा था। संग्रामगंज पहुंचने पर रात हो जाने के कारण संग्रामगंज निवासी सोनू पुत्र कलपराम सोनी को भी अपने साथ बुला ले गया और दोनों ई रिक्शा लेकर चले गए। बहरीवा गांव से वापस आते समय रात करीब 11 बजे भिंगा लक्ष्मणपुर मार्ग पर बनकटवा मोड़ के पास सड़क किनारे ट्राली खड़ी थी, जिसमें अनियंत्रित होकर ई रिक्शा टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई रिक्शा के आगे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और ई रिक्शा में सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं राहगीर व स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को ई रिक्शा से बाहर निकाला। वहीं इसकी सूचना एम्बुलेंस को दी गई। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल भिंगा के लिए भेज दिया गया, जहां पर दोनों का इलाज चल रहा है। बात करें तो जब से भिंगा लक्ष्मणपुर मार्ग का निर्माण हुआ है, तब से कई दुर्घटनाएं सामने आ चुकी है। लोग रफ्तार पर नियंत्रण नहीं करते और एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, जिसके चलते लोगों की जान तक चली जाती है। बीते दिनों भुजंगा के पास लक्ष्मणपुर बाजार निवासी तीन छात्र जो परीक्षा देने जा रहे थे, सड़क पर पड़े पत्थर की वजह से सड़क पर गिरकर तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं बीती रात सड़क के किनारे खड़ी ट्राली में ई रिक्शा से टकरा जाने से बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। लल्लू प्रसाद कहाँ रहते हैं? संग्राम में। ये बताइए, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, ये रिक्शा टूटा हुआ है, कैसे हुआ कुछ जानकारी है? और ट्राली खड़ी थी, वही में ठोक दिया। ट्राली खड़ी थी अपने आप? ये कौन चला रहा था रिक्शा? सोनू। कहाँ का रहने वाला है? और संग्राम में। अच्छा, इनके पिताजी का क्या नाम है? मिठाई लाल। तो क्या ज्यादा चोट आई है क्या? नहीं, जो रिक्शा चला रहे थे उनको चोटें ज्यादा आई है। रुके नहीं रहा। अच्छा, आप चले गए थे तो उनको कहीं ले गए थे एम्बुलेंस वगैरह? पता नहीं, ध्यान तो है नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? गल्लपराम। ये बताइए, आपके लड़के का आज एक्सीडेंट में चोटिल हो गया, कैसे हुआ, क्या मामला है? इधर से जा रहा था एक टेम्पो बैटरी वाला जी, वो गुहराई आओ सोनू भाई चलो टहरा लाई, उसके बाद माँ लेके गवा और बजून एक ट्राली खड़ी रही, वही ठोक दी। कहाँ से आ रहे थे वो लोग? से जो उन्हें लक्ष्मणपुर से जा रहा है, लक्ष्मणपुर से गए जा रहे थे, बहरीवा से लौटे, बट वही ठोक दी। बहरीवा से वापस आते समय ये बनकटवा मोड़ के पास हुआ है, तो ज्यादा चोटें आई हैं? बहुत ज्यादा, सब खून बहुत भरा रहा देखे। अच्छा, तो कैसे मतलब कहाँ ले गए इलाज के लिए आप लोग? जिला अस्पताल। अच्छा, अभी वहीं पे हैं? हाँ, इलाज चल रहा है। अच्छा, तो अकेले चोट खाए हैं और कोई चोट? दोनों में लट उठाने, जो टेम्पो वाला रहा वहाँ वो हो। तो टेम्पो कहाँ का है? पिपरावा का। उसका कुछ नाम पता मालूम? नाम नहीं, वह का नाम पता नहीं, वो मौरिया हो शायद। अच्छा अच्छा, मौरिया। तो टेम्पो वहाँ पिपरावा का है, सोनू उनके साथ में गए थे। हाँ, वो बलाए लेगा रहा का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हालत कैसी है उन लोग की अभी? अब हालत तो नाजुक है, अब मार सब खून खर टाका वाका ला। दोनों लोग को गंभीर चोटें आई। टाका के पैसे ले लिए थे, बताओ। तो कैसे लेके गए थे आप लोग? निजी वाहन से? नहीं, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस आई थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।